आपने स्ट्रीट वाली बर्गर तो बहुत बार ट्राई की होगी, सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बिल्कुल देसी स्टाइल में बर्गर शेयर किया जाए। बिल्कुल क्यूक सी रेसिपी है, आप इस बर्गर को 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लोगे एंड इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑसम है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो रेसिपी को बिल्कुल एंड तक वॉच करिएगा एंड रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम एक फ्रेश मसाला तैयार करेंगे जिसकी वजह से हमारा बर्गर का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले लिए हैं। सबसे पहले 2 छोटा चम्मच धनिया लिया है, साबुत धनिया, और साथ में ही लिया है 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर, और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने क्यूमिन सीड्स लिया है, और साथ में ही 1 छोटा चम्मच फेनल सीड्स लिया है। तो सभी को ट्रांसफर करेंगे कढ़ाई में और साथ में ऐड करेंगे 2 छोटे लाल मिर्च, तो तोड़कर मैं इसे भी ऐड कर दे रही हूँ, और अप्रॉक्स इसे आधा से 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। कलर हल्का सा चेंज करना है। जब मसालों को आप भून कर यूज़ करोगे तो जो बर्गर उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देख सकते हो 1 मिनट के बाद बहुत अच्छे से भून चुका है एंड देख सकते हो बिल्कुल क्रंची सा तैयार हुआ है। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे एंड नेक्स्ट ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। देन इसका बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे, बिल्कुल फाइन तैयार करना है। तो देख सकते हो बिल्कुल ऐसा पाउडर बनाना है। तो फिलहाल इसे साइड में रखेंगे एंड चलिए अब बर्गर के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है और इसमें 2 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। सो ट्राई करिए कि जो स्टफिंग बनने वाली है उसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। एंड जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत धनिया और साथ में ही 1/2 छोटी चम्मच राई और 1/2 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। एंड अच्छा सा फ्लेवर के लिए 2 से 3 पिंच हींग ऐड करेंगे। सो सारी चीज़ें जब अच्छे से तड़क जाए तो ऐड करेंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ 2 चम्मच कैरोट और बारीक कटा हुआ 2 चम्मच ग्रीन कैप्सिकम। जो हमारी स्टफिंग है उसी से बर्गर का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो जितनी भी मेहनत लगने वाली है आपको स्टफिंग बनाने में लगने वाली है। तो जब हल्का सा दोनों चीज़ भून जाए तो ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली और साथ में 1/2 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। सो वापस से अप्रॉक्स 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे एंड देख सकते हो पहले से काफ़ी अच्छा सा कलर आया है। सो इस स्टेज पर ऐड करेंगे बॉयल पोटैटोज। तो हाथों से रफली मैश करके ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पर 10 लिया है एंड आलू को भी मसाले के साथ हम बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे अप्रॉक्स 2 से 2.5 मिनट के लिए। तो चलिए देख सकते हो सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। सो इस स्टेज पर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच साल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेना, और साथ में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो मसाला प्रिपेयर किया था वो 1 छोटा चम्मच भरकर ऐड करेंगे और साथ में 1 छोटा चम्मच भरकर ऐड कर रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च। बहुत अच्छा सा कलर आएगा, बट अगर आप नॉर्मल वाला यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम यहाँ पर यूज़ करना। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, हाथों से अच्छे से क्रश करके ऐड करेंगे, और साथ में 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। सो लास्ट सभी चीज़ों को अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो हमारा स्टफिंग उसमें बिल्कुल अच्छा सा एक कलर आ जाए। एंड फाइनली देख सकते हो कितना ज़्यादा चटपटा लग रहा है देखने में, मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा है। तो लास्ट स्टेज पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और साथ में चटपटापन के लिए 1/2 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। तो वापस से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जब आलू स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसका हम टिक्की बना लेंगे। तो जितना बर्गर का साइज है उस हिसाब से हम बनाएंगे एंड थिकनेस आप अपने हिसाब से पतला या फिर मोटा रख सकते हो। तो मैंने हल्का थिकनेस वाला तैयार किया है एंड चलिए अब बर्गर तैयार कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर बर्गर बन लिया है नॉर्मल वाला, तो इसे हम बीच से कट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कढ़ाई लिया है और इसमें 1 छोटा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। एंड जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो स्प्रिंकल करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, बहुत अच्छा सा कलर आएगा बर्गर में। एंड इस घी और लाल मिर्च में हम बर्गर को अलट पलट कर सेक लेंगे 1/2 मिनट के लिए। जलाना नहीं, बस हल्का सा सॉटे करना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए बर्गर में। तो चलिए बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा बर्गर, अब चलिए स्टफ कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बर्गर बन पर सॉसेज लगा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस लिया है, टोमेटो सॉस लिया है, और साथ में मेयोनीज लिया है। तो सभी मैंने 1/1 छोटा चम्मच लिया है, बट आप सॉसेज यहाँ पर अपने फ्लेवर के अनुसार ऐड कर सकते हो, और ज़्यादा ऐड करना या फिर और कम ऐड करना आप देख लेना। सो सॉसेज को बन पर स्प्रेड करने के बाद यहाँ पर रखेंगे आलू टिक्की जो कि अभी बनाया था, एंड ऊपर से रखेंगे बिल्कुल पतला स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और प्याज, और साथ में ही बारीक कटा हुआ कैबेज। आप यहाँ पर कोई और सब्जी यूज़ कर सकते हो, जैसे शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करके ऐड कर सकते हो या फिर कुकुम्बर ऐड कर सकते हो।
एंड लास्ट में स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, ब्लैक साल्ट और जो स्टार्टिंग में मसाला प्रिपेयर किया था उससे। एंड अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सॉसेस चाहिए तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा टोमेटो केचप ऐड किया है एंड ऊपर से बन रखेंगे। एंड फाइनली हमारा देसी स्टाइल बर्गर तैयार है। वैसे हम लोग बहुत बार बाहर जाकर घर लाकर बर्गर खाते ही रहते हैं, बट एक बार मेरे स्टाइल में ट्राई करो, बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है। सो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ट्राई कर सके। एंड चैनल पर नए हो और आपको मेरी अगली रेसिपी देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस करके पक्का से ऑल कर लेना। तो मिलती हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।